स्टूडेंट, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 का कुछ लोगों ने कल क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज हम लोग फिर से जो है उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसको देखिए, जो है क्वेश्चन बोलता है इफ ए कोई मैट्रिक्स है वो जो है 2x2 ऑर्डर का है, देन बोलता है वेरीफाई दैट ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i, आई मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अरे कितना ऑर्डर का होगा, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का होगा क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का होगा, तो इसको हमको शो करना है उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स होगा तो जीरो होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसमें गिवन है, ए कोई मैट्रिक्स है वो है 2, 3, 4, 5, ये ऑर्डर कितना है 2x2, मतलब नंबर ऑफ रो भी यहाँ 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे 2 है, हम लोग को शो करना है। अब जो है इसे हम क्या निकालते हैं, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर क्या करते हैं ए इंटू ए, तो हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं, हम बताए थे मल्टीप्लाई करने का नियम क्या देखा, पहला रो को पहले कॉलम से, तो हो जाएगा क्या 2 × 2 + 3 × 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 2 × 3 + 3 × 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 4 × 2 + 5 × 4, ये हो जाएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 4 × 3 + 5 × 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या और चेक करते हैं, पहला रो को पहला कॉलम से हो जाएगा 2 × 2 + 3 × 4, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 2 × 3 हो जाएगा 3 × 5, फिर होगा 4 × 2 = 5 × 4, फिर होगा 4 × 3 = 5 × 5, ये हो जाएगा 4 + 12 = 6 + 15 + 8 + 20 = 25, तो ये कितना हो जाएगा 12, 4 हो गया 16, 15 और 6 हो जाएगा 21, 20 और 8, 28, ये कितना हो जाएगा 25 और 12, 37। अब हम क्या करते हैं, ये हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाल लिया है, हम LHS लेते हैं, LHS का क्या है वो है ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i। अब ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, हम लोगों ने ए स्क्वायर का भी निकाल के रखा था, ए स्क्वायर का वैल्यू जो है अभी निकाल के रखे थे जो है 16, 21, 28, 37 माइनस 7, जो एड जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें ही वही लिखना है 3, 2, 3, 4, 5 माइनस 2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या जो ऑर्डर होगा इसका 2x2 ऑर्डर का होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 16, 21, 28, 37, ये 7 जो इस मैट्रिक्स के अंदर जितने सारे एलिमेंट है सारे मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, ये हो जाएगा 35 माइनस इसमें 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 0, 0, 2। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है और जो इन दोनों को क्या है सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा 16 − 14 − 2, फिर हो जाएगा यहाँ से 21 − 21 − 0, ये हो जाएगा 28 − 28 − 0, फिर यहाँ पे है 37 माइनस, फिर यहाँ पे है 35, फिर −2। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 16 − 16, ये हो जाएगा 21 − 21, 28 − 28, 37 − 37, अब ये हो गया मेरा 0, 0, 0, 0, ये जो मेरा वैल्यू कितना क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया, और हम लोग को शो भी करना था उसका वैल्यू क्या आना चाहिए जीरो, क्योंकि इसको हम लोग जीरो भी लिख सकते थे, वही हम लोग क्वेश्चन बोला था कि इसको शो करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, हम लोग को जीरो आ गया है, यही हम लोग को प्रूफ करना था। अब देखिए हम लोग दूसरा पैर जो है क्वेश्चन ये है, बोलता है इफ ए कोई मैट्रिक्स है और 2x2 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है,
इसमें गिवन है ये जो मैट्रिक्स है 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2, फिर है टेन अल्फा बाय 2 0। और हम लोग क्या करते हैं LHS लेते हैं, LHS में क्या है I प्लस A यहां दिखवा है हम लोग, अब हो जाएगा आई मेरा क्या लगा 1 0 0 1, ये जो मैट्रिक्स है 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2, फिर है टेन अल्फा बाय 2 0। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 1 0 से इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाय 2 0 और टेन अल्फा बाय 2, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा बाय 2 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1। ये हम लोग का LHS निकल गया है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं RHS। RHS में जो है यहाँ क्या दिया हुआ है आई माइनस ए और फिर मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर कॉस अल्फा, हम लोग लेते हैं ये हो जाएगा आई माइनस ए इंटू ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा साइन अल्फा फिर है कॉस अल्फा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कुछ हम लोग जो है इलेवेंथ में ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉस अल्फा जो फॉर्मूला है उसका हम लोग सब मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला जानते हैं उसको हम लोग पुट करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है टेन के रूप में, तो ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 एंड साइन अल्फा का होता है 2 टेन अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसको एज्यूम कर देते हैं लेट t इज इक्वल टू टेन अल्फा बाय 2 हम लोग को सॉल्व होगा थोड़ा सा समझने में आसान होगा। देयरफॉर हम लेते हैं अरे क्या लिखा हुआ आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा ये हो जाएगा कॉस अल्फा। अब आई मेरा कितना है 1 0 0 1, ये जो मेरा मैट्रिक्स था वो क्या है 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 यह है टेन अल्फा बाय 2 0 फिर इंटू ये जो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा साइन अल्फा ये हो जाएगा कॉस अल्फा। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो 1 में 0 जाएगा हो जाएगा 0 ये हो जाएगा सॉरी 1 फिर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाय 2 और टेन अल्फा बाय 2 हम लोग क्या एज्यूम कर लिया है टी, तो यहाँ पर हम लोग टी लिख सकते हैं माइनस टी। अब इसको यहाँ माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस टी फिर हो जाएगा 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर से देख लेते हैं वहां 1 फिर हो जाएगा इसको टी माने हैं तो हो जाएगा 0 माइनस टी फिर होगा माइनस टी हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग फार्मूला लिखते हैं कॉस अल्फा का फॉर्मूला इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर साइन अल्फा का फॉर्मूला भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है तो हो जाएगा माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर फिर साइन अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे है तो हो जाएगा 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर फिर यहाँ पे जो है कॉस अल्फा है हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। हम लोग इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे ये यहां से हो जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर फिर हो जाएगा माइनस फिर हो जाएगा यहां पे माइनस 2t स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ठीक है। अब हमारा कितना हो जाएगा चेक कर सकते हैं हम जाएगा पहला कॉलम की जगह सेकंड कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा माइनस
2t - 2t - 1 + t² - t² - 1 + t² अब हो जाएगा सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ये हो जाएगा माइनस टी इंटू 1 - t² - 1 + t² + हो जाएगा जीरो, फिर हो जाएगा यहां पे 1 × 2t + 1 + t² और अगर फिर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2t² - 1 + t² + 1 - t² - 1 + t² देखिए हम लोग को थोड़ा सा सॉरी वहां पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे माइनस और माइनस सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है अगर जो है ठीक है, अब यहाँ कहाँ पे आते हैं माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ हो जाएगा +2t², फिर यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसको हम लेंगे यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर अब उधर हम चेक करते हैं इसको, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 + t² हो जाएगा 1 - t² + 2t² यहाँ पे इसको लेंगे हो जाएगा 1 + t² हो जाएगा -2t + t - t³। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1 + t² - t हो जाएगा --+t³ + 2t। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 + t² हो जाएगा -2t² + 1 फिर हो जाएगा -t² - t² ये और हम चेक कर लेते हैं हो जाएगा 2t² यहाँ पे हो जाएगा 2t² ठीक है 2t² - 1 - t² तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + t² - 1 + t² यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा -t - t³ - 1 + t². अब यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व करेंगे हो जाएगा और t + t³ - 1 + t² फिर यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे ये जो मेरा प्लस होगा तो ये हो जाएगा t² + 1 - 1 + t². अब इसको हम लोग देख सकते हैं सॉल्व करके ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा तो 1, ये हो जाएगा 1, यहां से हम लोग माइनस टी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + t² - 1 + t² यहां से टी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + t² - 1 + t² यहां से हो जाएगा ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1। अब ये भी कटेगा, ये भी कटेगा तो क्या बच गया, अच्छा 1 - t t 1। अब हम लोग देख सकते हैं t का वैल्यू हम लोगों ने क्या वहां पर जूम किया था -tan α/2 ये हो जाएगा -tan α/2 ये हो जाएगा tan α/2 1। और यही जो मेरा जो था वही हम लोग को देखिए हम लोग जो है LHS में यही चीज आया था कि ये था 1 - tan α/2 tan α/2 1 तो देयरफोर ये दोनों बराबर हो गया तो देयरफोर ही हम लोगों का देयरफोर LHS = RHS यही हम लोगों को प्रूव करना था।